समझाने की कोशिश किया हूँ। कहता है करंट सेंसिटिविटी, अब इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। कहता है करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉयल, अब इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जो फार्मूले याद किया होगा यार, क्योंकि डिराइव करना थोड़ा डिफिकल्ट है यार। और करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर अगर पढ़े होगे आप, तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी जो है वो 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है, बराबर है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है गैल्वेनोमीटर का, वो जो है 20 डिवीजन पर वोल्ट है, ठीक है ये वाला। तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो रेजिस्टेंस अगर निकालना है, देखो अब रेजिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट फार्मूला जाके गैल्वेनोमीटर पढ़ना और उसमें देखना कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है दैट इज करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर के इक्वल होती है, ये फार्मूला ऑलरेडी है। तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दैट इज करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी वैल्यू 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है, मिली 10^-3 एम्पियर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी 20 डिवीजन और पर वोल्ट है। तो फाइनली अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँगा वैल्यू डाल के, तो 500 × 10^, डिवीजन ने डिवीजन को ख़त्म कर दिया, और 30 और दैट इज इक्वल टू 20, और यहाँ से दैट इज वोल्ट अपॉन एम्पियर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर जीरो ने जीरो को ख़त्म कर दिया और यह आ जाएगा 5, दैट इज 25 ओम, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर, तो डायमेंशन ही रेजिस्टेंस वी इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज अपॉन एम्पियर दैट इज ओम, डायमेंशनली सूड भी करेक्ट। तो ये रेजिस्टेंस 250 ओम आ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है चलो।